बीजेपी सदस्यता अभियान की शुभारंभ कर चुकी है। पीएम मोदी करेंगे अभियान का शुभारंभ। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 10 साल में पीएम मोदी ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। हर क्षेत्र में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। 140 करोड़ लोगों को विकसित करने का विजन जो है बीजेपी ने तैयार किया हुआ है। तो आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अभियान की शुरुआत की है, शुभ आरंभ किया है। 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत के विजन के तहत विकास देने का एक नया प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कई केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। तो फिलहाल देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं के साथ सिलसिला जो है मिलने का वो शुरू होगा। कई नेता जो है बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं। आज से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कई केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। कई केंद्र मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। थोड़ी देर में शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। तो कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि उनके आने से पहले नेताओं के आगमन का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। नेता लगातार पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं बीजेपी कार्यालय। और पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुलाकात और बैठक होगी। और बैठक के दौरान हर संभव कोशिश जो है वो बीजेपी सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में पीएम मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, बीजेपी की सदस्यता अभियान के संदर्भ में एक बैठक बुलाई गई है, कुछ ही देर में जानकारी है कि पीएम मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। जरा जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है और फिलहाल क्या जानकारी? कुछ अगर बात की जाए सदस्यता अभियान 2024 की, बीजेपी ने शुरुआत अब से कुछ देर बाद की करेगी। और सदस्यता अभियान का जो मकसद है वो लगातार देश में जो पार्टी है उसके अगर संविधान के तौर पर, संविधान के तौर पर जो बात की जाए, अंत नहीं, उसमें हर 5 साल में हर नेता को एक बार दोबारा से सदस्यता लेनी होती है। उसको बीजेपी 2024 में संगठन पर्व के तौर पर मनाई जा रही है। और आप देखिए तमाम बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता पेज पर से बुलाए गए हैं। और कुछ देर में प्रधानमंत्री को भी यहाँ पहुंचना है। और इस वक्त एक्सटेंशन ऑफिस में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक्सटेंशन ऑफिस में अंदर आ चुके हैं। और खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने उनको रिसीव करने को लेकर पहुंच चुके हैं। और कुछ देर बाद से ही ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री का विजुअल देख सकते हैं, सामने जेपी नड्डा उनका स्वागत करने पहुंचे हैं खुद एक्सटेंशन ऑफिस में। और जो सबसे पहले सदस्यता ग्रहण करेंगे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री को पहले सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी और उसके बाद तमाम बाकी जो ये पर्व है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और देश भर में
हर प्रदेश में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता तो ग्रहण करेंगे, लेकिन जब हम बात बीजेपी की करते हैं, सभी जानते हैं कि काफी लोकप्रिय पार्टी है और ज्यादातर लोग बीजेपी में ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो इस बार का विजन तय किया गया 140 करोड़ की जनता के विकसित भारत के विजन का, तो क्या उद्देश्य रहने वाला है इसके पीछे पार्टी का? क्योंकि इस बार चुनाव के दौरान जो एक झटका पार्टी को लगा है, कहीं ना कहीं उसे भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए। इसको लेकर तमाम चीजें स्पष्ट हो चुकी है, पहले ही सदस्य अभियान की कोशिश की जाएगी, तमाम सदस्यों को एक बार दोबारा मोटिवेटेड किया जा सके, उसके साथ साथ सड़क सदस्य जाएंगे, उनकी तमाम चीजों को देखा जा सके। उस देर में ही इस बैठक की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री खुद एक्सटेंशन के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। और बीजेपी की अगर आप फोटो की बात की तो उनके तमाम सदस्यों की स्थिति एकदम स्पष्ट है कि राष्ट्र सबसे पहले है, पार्टी उसके बाद यानी खुद सबसे आखिरी, उसी उद्देश्य के साथ पार्टी आगे बढ़ रही, स्वच्छता अभियान चला रही। और अगर आप बीजेपी की बात की तो बीजेपी बिल्कुल देखिए, और आनंद रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और बीजेपी कार्यालय में उनका जो स्वागत है वो जेपी नड्डा की ओर से किया गया है। फिलहाल देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। मोदी के नारेबाजी के साथ इस तमाम ऑडिटोरियम की गूंज कई किलोमीटर तक दूर तक जा रही होगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री अब स्टेज पे चढ़ चुके हैं, उनके पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं और तमाम वो नेता जो यही कारण है कुछ को लेकर लगातार शुरुआत की जा चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है सदस्यता अभियान के जरिए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके बीजेपी के साथ। विकसित भारत का जो विजन बीजेपी ने तय किया है, इस विजन में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र सफल होना बहुत जरूरी है। देखिए बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है मंच पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन की, जिसके बाद एक एक कर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित किया है। कुछ ही देर में ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी, जिसके जरिए न केवल इस मंच से, न केवल इस कार्यालय से, बल्कि इसके बाहर भी जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री साथ मिलकर सदस्यता अभियान के जरिए अपने अपने क्षेत्र में इस अभियान को और तेज करेंगे, और तेज करने के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा।